खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर के, जहां पर यातायात माह में आरटीओ पुलिस संयुक्त रूप से अभियान चलाकर लगातार वाहनों की चेकिंग कर रही है। वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है, जिसके लिए स्कूल कॉलेजों के साथ साथ कई जगहों पर सार्वजनिक रूप से शिविर लगाए जा रहे हैं। वहीं नियमों के प्रति नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। ये यातायात माह के साथ साथ हमारा जो परिवहन विभाग का विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चल रहा है, जिसमें 18 से 24 तारीख तक इस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आज के दिन पुलिस प्रशासन के सहयोग के साथ हम यातायात उप निरीक्षक के साथ यहाँ पर हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसमें हमारा उद्देश्य सिर्फ चालान करना नहीं है, बल्कि लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेरित करना है कि ये हेलमेट का प्रयोग करें और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। साथ ही इसके एक जो सरकार ने एक नई व्यवस्था की है कि आपको अपने जो कागज़ हैं गाड़ी से संबंधित, उनको आपको फिजिकली रखने की अगर उसमें दिक्कत आती है तो आप उसको एम परिवहन ऐप या फिर डिजी लॉकर, ये दो जो सरकारी ऐप है, इनमें आप उनको अपलोड कर सुरक्षित रख सकते हैं। और जब भी कोई चेकिंग के दौरान आपसे कागज़ मांगे तो आप एम परिवहन या डिजी लॉकर पर उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। वो कागज़ इन्हीं दो ऐप के साथ आपके वैध माने जाएंगे। अन्य अगर आप फोटो के साथ करते हैं तो उनकी वैधता नहीं मानी जाएगी। ये दो ऐप का प्रयोग करना आवश्यक है, इनमें जो कागज़ सुरक्षित होगा उसको वैध कागज़ की श्रेणी में माना जाएगा।